गाइस, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उसी तरह से गूगल पे के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे गूगल पे के यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहा है। मतलब कि प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी का ठीक हो रहा है तो फिर किसी का स्टार्ट हो जा रहा है, और ये खासकर नए यूज़र्स के साथ हो रहा है जो गूगल पे में हाल ही फिलहाल बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं। जो पहले वाले ऐड करते होंगे उनका तो ऐड हो चुका होगा, और जिनका नहीं हो रहा तो आज इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। और इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं परवेज, आप देख रहे हैं आईटी परवेज यूट्यूब चैनल। गाइस, सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि गूगल पे में सबसे पहले जो प्रॉब्लम लोगों को आया है वो आया है कुड नॉट रजिस्टर। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस को बना कर रखा है, तो कुछ लोगों का वर्क कर रहा है, कुछ लोगों का वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए फिर भी मैं यहां पे बता देता हूं कि इसको कैसे ठीक करेंगे। गाइस, सबसे पहले यहां पे आपको बता दें कि कुड नॉट रजिस्टर का प्रॉब्लम दूर करने के लिए जो आपका बैंक में मोबाइल नंबर ऐड है वो नंबर आपके फ़ोन में होना चाहिए, और उसी फ़ोन में होना चाहिए जिस फ़ोन से आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं, तभी यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इस नंबर पे आपके बैलेंस भी होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके मोबाइल नंबर से एक वेरीफाई करने के लिए एक मैसेज सेंड होता है आपके बैंक में, तो वो जब वेरीफाई होता है तो उसके बदले चार्ज करते हैं। तो इसके लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए। अगर प्लान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कुछ लोगों का प्लान होने के बाद भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पाया। जब उसने टॉप अप रिचार्ज करवाया तो उनका बैंक अकाउंट ऐड हो गया। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कमेंटर कह रहे हैं जो मेरे वीडियो में कमेंट किए हैं। आपको भी एक टॉप अप रिचार्ज करवा के आपको अपने बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपका कुड नॉट रजिस्टर प्रॉब्लम 100% दूर हो जाएगा। और गाइज, यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सवाल किया है कि सर मेरा बार बार लिख रहा है मल्टीपल अकाउंट होल्डर। गाइज, ये भी मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि क्यों आता है। देखिए गाइज, जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं तो एक नंबर से दो बैंक मैड होता है नंबर, जिसके कारण आपको मल्टीपल अकाउंट होल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा। तो आपको करना क्या है कि एक नंबर को रिमूव करवा देना। पर गाइज, यहाँ पे मैं अपनी राय दे दूँ, जबकि गूगल पे एप्लीकेशन में आपको बैंक ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा बैंक ऐड करने वाले हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मल्टीपल अकाउंट होल्डर का ऑप्शन मिलता है। पर जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो वहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आपको एक नंबर को रिमूव करवाना होगा जो बैंक आप ऐड नहीं करना चाहते गूगल पे में। तो देखिए, आपको भी वही करना है, जाके एक नंबर को रिमूव करवा देना अपने बैंक से, जहाँ पे भी आपने नंबर रजिस्टर करवा कर रखा है, और जिसको ऐड करना है वो आपको रहने देना है, बाकी जो नहीं ऐड करना है उसको हटा देना है, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना, आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे आपको बता दें कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम आया है, सर्वर डिड नॉट रिस्पॉन्ड या फिर बैंक सर्वर अनअवेलेबल, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिल जाता है। ये क्यों होता है आप बताते हैं। देखिए दोस्तों, एक ही टाइम पे बहुत सारे यूज़र जो होते हैं गूगल पे के वो अपना बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं, तो बैंक बिजी हो जाता है, जिसके कारण आपको थोड़ा रिस्पॉन्स लेट से मिलता है, इसीलिए आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है सर्वर अनअवेलेबल। तो देखिए, आपको करना है कि ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है तो आपको करना है कि आपको मॉर्निंग में ऐड करना है, और नहीं तो फिर आपको रात में ऐड करना है, आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे कम यूजर्स होते हैं और उस टाइम आपका बैंक अकाउंट ऐड होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। और गाइज, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कि कैसे गूगल पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड करना है, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे तुमने तो सिर्फ बता दिया, करा कुछ भी नहीं, तो ये भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पे गाइज, इन सब चीज़ को होने के बाद भी अगर आपका फिर भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे के डेवलपर को मेल करना है। अब मेल कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे आपको डेवलपर का जीमेल मिल जाएगा, उस जीमेल पे आपको अपनी सारी बातें बता देनी है कि आप जब भी बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है उसको शेयर करना है, कभी ऑटोमेटिकली दूसरा बैंक अकाउंट ऐड हो जा रहा है जो आपका है ही नहीं, तो इन सब चीज़ों को वहाँ शेयर करना है। और एक बात, यहाँ पे जो कुछ लोगों का ऑटोमेटिक जो बैंक अकाउंट ऐड हो रहा था उसके लिए आपको अपने बैंक में जाना है, क्योंकि आपका सिर्फ SBI बैंक है और ऑटोमेटिक ICICI बैंक ऐड हो जा रहा है। ये कुछ लोग कमेंट किए थे मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने उनको पढ़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना के उनके साथ शेयर किया जाए। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में भी जाकर एक बार उनसे बोल देना है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो शायद दूर कर देंगे। पर आपको अपने डेवलपर गूगल पे के जो डेवलपर हैं उनको मैसेज जरूर कर देना, वो भी आपका प्रॉब्लम्स दूर कर दें, क्योंकि कभी कभी बग आ जाता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आपको करना क्या है कि आपको अपना गूगल पे एप्लीकेशन का अपडेट देखना है, अगर अपडेट आता है तो अपडेट करते रहना, क्योंकि अपडेट ना होने के कारण भी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल सकता है। अब गाइस, यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपको मेल के द्वारा आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है कि उनके
हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनसे बातचीत करना है और वहाँ पे आपको अपनी बातें बता देनी है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और गाइज, कुछ लोग यहाँ पे नए की यूज़र्स हैं जो उनको सही से कुछ पता नहीं होगा, तो कुछ लोग गूगल पे सर्च करके नंबर निकालेंगे और कॉल करेंगे। देखिए, कुछ नंबर होते हैं फ्रॉड होते हैं, तो आपको हो सकता है कि आपसे मांगा जाए कि आप अपना डेबिट कार्ड दीजिए और उसका पिन बताइए, वो बताइए, और मालूम आप दे देंगे कि मेरा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। तो मालूम है कि जो शॉर्ट आउट करना था वो पूरा शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नए यूज़र्स हैं तो उनको शायद ही कम पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो हो सकता है गलती कर बैठे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है तो आपको गूगल पे एप्लीकेशन 100% ऐड हो जाएगा। अब मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बताता हूँ ऐड करके, जहाँ पर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। गाइज, यहाँ पर मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है यहाँ पे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे सिंपली से आपको सर्च बार का ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे मेरा जो बैंक है वो है मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो सिंपली से यहाँ पे मेरा जो आ चुका है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और सिंपली से इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इस पर देखिए यहाँ पर आपका नंबर दिखाया जा रहा है कि ये मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में है या फिर नहीं है, और लिंक है फिर या फिर नहीं है। तो अगर है तो फिर यहाँ पे आपको सेंड एसएमएस पे क्लिक करना है और यहाँ पे से जो आपका जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक में सेंड होने लगेगा। गाइस, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट सर्च हो चुका है और ऊपर में आ चुका है योर मोबाइल नंबर एंड डिवाइस सक्सेसफुल्ली। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको इंटर यूपीआई पिन करना है और उसके बाद यहाँ पर अपना यूपीआई पिन इंटर करके आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। तो गाइज, जैसा कि देख पा रहे हो अकाउंट ऐड हो चुका है। और गाइज, यहाँ पे आपको एक बात और भी ध्यान रखना है कि अगर आपके मोबाइल में दो सिम का यूज़ करते हैं तो आपको एक सिम निकाल देना जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर नहीं है, और जो आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर है उसको सिम स्लॉट वन में डालना है। इससे आपका बैंक अकाउंट ऐड आसानी से हो जाएगा और उसके बाद आपको अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में करना है। एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, 100% ऐड हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपका जो प्रॉब्लम वो 100% सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई जरूर करना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।